नमस्कार दोस्तों, एचआर रसोई में आपका स्वागत है। आज मैं आपको सिखाने जा रही हूँ साबुत मसूर की दाल। साबुत मसूर की दाल कैसे बनती है देखिए, ये मैंने ली है मसूर की दाल। ये है 250 ग्राम। 250 ग्राम दाल को मैं इसको धो लूंगी। धो के कुकर में डाल के थोड़ा सा नमक डाल के उबाल लूंगी। ये देखिए, मैंने ना 3 प्याज लिए हैं मीडियम साइज के। ये मैंने इनको काट लिया है। और ये मैंने टमाटर लिए हैं 2 बड़े बड़े, और उनको मैंने ऐसे घिस लिया है टमाटरों को। 3 मुझे चाहिए, 4 हरी मिर्च, 4 हरी मिर्च मैंने काटी हैं। थोड़ा सा मुझे लहसुन चाहिए, 5-6 गुली। थोड़ा सा मुझे अदरक चाहिए इसके लिए। और इसके तड़के के लिए मुझे चाहिए जीरा, हींग और मेथी दाना। मेथी दाने के भी लाभ मैं बता दूंगी आपको, क्यों मेथी दाना जॉइंट्स वगैरह में पेन होता है तो उसके लिए ये बहुत काम आता है। और चाहिए मुझे सारे मसाले, जीरा और नमक छोड़ के, क्योंकि नमक मैं दाल में डाल दूंगी इसलिए मुझे नमक नहीं चाहिए। बाकी हल्दी चाहिए, धनिया चाहिए, गरम मसाला चाहिए, थोड़ी सी लाल मिर्च चाहिए, थोड़ी सी काली मिर्च चाहिए। देखिए, दाल को सजाने के लिए मुझे चाहिए हरा धनिया और थोड़ा सा चाहिए लास्ट में मक्खन। गाइस, मैं दाल को जितनी दाल है उससे 3 गुना ज्यादा पानी डलेगा। ये मैंने नमक डाल के उबाल लिया है दाल को। ये देखिए कुछ ऐसे उबल के। देखिए, मैंने गैस को जला दिया है। अब मैंने कढ़ाई रख दी है, उसमें मैंने ये वाली 1.5 कड़छी मैंने ऑयल डाल दिया है। अब मैं इसके अंदर डालूंगी जीरा। जीरा भूनने दूंगी। देखिए, मेरा जीरा ब्राउन हो चुका है। अब मैं डालूंगी इसमें हींग। इसी में डालूंगी मेथी दाना। ये भी हल्का सा हो गया है। अब मैं डालूंगी हरी मिर्च। इसके बाद मैं डालूंगी प्याज। इसे मैं हिला दूंगी। थोड़ा सा प्याज हो चुका है। अब मैं डालूंगी इसके अंदर अदरक, साथ में ही डालूंगी लहसुन। इनको भी इसके साथ, प्याज के साथ भूनने दूंगी, भून दूंगी। देखिए, मेरा प्याज ब्राउन हो चुका है। बहुत ज्यादा ब्राउन नहीं करना दाल के अंदर, हल्का ही ब्राउन करना है। अब मैं डाल दूंगी इसमें टमाटर। अब इसको भी तड़के में मिक्स कर दूंगी। ये भी पकने दूंगी। ये मेरा तड़का हो चुका है। मेरे टमाटर इसलिए थोड़े से घिस के डाले थे क्योंकि इनके छिलके दाल के अंदर मुंह में आते हैं, तो इसलिए मैंने उनको घिस के डालती थी। अब मैं डालूंगी इसके अंदर मसाले। मैंने हरी मिर्च डाली थी तो इसलिए मैं थोड़ी ही लाल मिर्च डालूंगी, 1/4 चम्मच। आधा चम्मच डालूंगी मैं हल्दी, 1/4 चम्मच डालूंगी मैं गरम मसाला, 1/4 डालूंगी मैं धनिया, और चुटकी भर डालूंगी मैं काली मिर्च। अब इनको मैं मिक्स कर दूंगी मसाले। मेरे तड़के का कलर कितना बढ़िया आया है, और ये मेरा तड़का भुन चुका है। इसमें हल्का सा ऑयल छोड़ना स्टार्ट कर दिया है। अब मैं इसमें डाल दूंगी दाल जो मैंने उबाली थी, वो इसके अंदर मिक्स कर दूंगी दाल। देखिए गाइस, मैंने दाल को तड़के में डाल दिया है और ये उबल रही है। ये देखिए कितने अच्छे से इसका कलर आ गया है। अब मैं इसको करूंगी प्लेटिंग। अब मैं डालने जा रही हूँ बाउल। देखिए, दाल को मैंने बाउल में निकाल दिया है। अब मैं इसको धनिया से सजा दूंगी। धनिया को मैंने धो लिया था, उसकी पत्तियां काट ली थी। काट के अब मैं इस पे दाल को सजाने जा रही हूँ। देखिए, थोड़ा सा डाल दूंगी मक्खन, क्योंकि उससे अच्छा टेस्ट आता है मक्खन से। और वैसे घी, देसी घी में भी तड़का लगा सकते हो इसको, लेकिन मैं रिफाइंड ऑयल में लगाती हूँ। देखिए, साबुत दाल मसूर की रेसिपी आपको पसंद आई हो, इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन दबाना ना भूलिए, और शेयर करना ना भूलिए।